हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथोफिलिक एजुकेशन में। आज हम लोग असाइनमेंट टू डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, असाइनमेंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आपका, जेड ओवर एक्स इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एंड सेकंड गिवन है, इफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन एवरी सेवरिंग ऑफ आर कंटेनिंग वन इज ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। देन आपको चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ली वन इज टू, सेकेंड गिवन है बोथ वन एंड टू आर ट्रू, थर्ड ऑप्शन है वर्ली टू इज टू, एंड दी ऑप्शन है नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। मतलब फ्रेंड, जो दोनों स्टेटमेंट गिवन है, मुझे चेक करना है कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। यदि मैं स्टेटमेंट वन की बात करूँ तो स्टेटमेंट वन में गिवन है कि जेड ओवर एक्स इज पी आई डी। ओके, जो आपका रिंग गिवन है वो क्या है, जेड ओवर एक्स है। मुझे चेक करना है कि जेड ओवर एक्स पी आई डी होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड, मैं यदि किसी भी रिंग की बात करूँ कि कोई भी रिंग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब होता है, यदि उसके जितने सारे आइडियल हैं वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो, तो मैं बोलता हूँ कि वो रिंग क्या है, पीआईडी है, अदरवाइज पीआईडी नहीं है। मतलब कि यदि रिंग के घर में मुझे एक भी ऐसा आइडियल मिलता है जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा हो, तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो रिंग कभी भी पीआईडी नहीं होगा। ओके, तो फिर मैं ले लेता हूँ लेट आई वन इक्वल टू थ्री एक्स। ऐसा आई वन मैंने लिया जो थ्री और एक्स से जनरेट हो रहा हो। यदि मैं थोड़ा और सिंपल वे में लिखूं तो क्या इसका मतलब क्या है, थ्री एफ एक्स प्लस एक्स जी एक्स, वेयर फॉर एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू जेड ओवर एक्स, जहां एफ एक्स और जी एक्स किसके एलिमेंट हैं, जेड ओवर एक्स के हैं। अब फिर देखिए, आई वन जो है आपका वो थ्री से जनरेट हो रहा है और एक्स से जनरेट हो रहा है। मतलब कि I1 आपको एक आइडियल जेड ओवर एक्स घर में ऐसा मिला इस रिंग के घर में जो क्या हो रहा हो, दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जेड ओवर एक्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। अब फिर देखिए, I1 जो आप लिए थ्री ओवर एक्स, मैं यहाँ पर I2 क्या ले सकता हूँ, टू एक्स, I3 में क्या ले सकता हूँ, फाइव एक्स। ये जितने सारे आइडियल हैं वो सब क्या है, दो एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो मुझे जो है फ्रेंड, रिंग जेड ओवर एक्स में जो है ऐसा बहुत सारा आइडियल मिल रहा है जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, इंप्लाई जेड ओवर एक्स इज नॉट पी आई डी। फिर यहां से हमारा स्टेटमेंट वन जो है वह इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट वन में गिवन है कि जेड ओवर एक्स इज पी आई डी। अब चलिए हम लोग स्टेटमेंट टू देखते हैं। स्टेटमेंट टू गिवन है, इफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन एवरी सबरिंग ऑफ आर कंटेनिंग वन इज ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ओके, तो जो मुझे रिंग लेना है वो क्या लेना है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो मैं ले लेता हूँ क्यू ओवर एक्स। ये क्या होता है, तो एफ एंड पी आई डी होता है, क्यू ओवर एक्स जो होता है वो पी आई डी होता है। ओके, देन बोलता है कि एवरी सबरिंग ऑफ आर जो कंटेनिंग वन हो, मैं ले लेता हूँ एच, मैं लिख देता हूं यहां पर सब रिंग इक्वल टू एच इक्वल टू, मैं क्या ले लेता हूं, जेड ओवर एक्स। अब देखिए, क्यू ओवर एक्स का सब रिंग क्या है, जेड ओवर एक्स जो वन को कंटेन करता है। देन बोलता है क्वेश्चन में आपको, स्टेटमेंट में गिवन है कि जो जेड ओवर एक्स होगा वो पी आई डी होगा। स्टेटमेंट टू यही गिवन है कि एवरी सब रिंग ऑफ हार कंटेनिंग वन इज ऑल्सो पी आई डी। तो क्या है, पी आई डी है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने स्टेटमेंट वन में प्रूफ किया है कि जेड ओवर एक्स जो है पी आई डी नहीं है, नॉट पी आई डी। फ्रेंड, यहां से हमारा स्टेटमेंट टू जो है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट टू भी हमारा इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट वन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फ्रेंड, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो आपका ऑप्शन डी गिवन है, नाइदर वन नॉट टू इज टू, फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, फॉर टू आइडियल्स आई एंड जे ऑफ अ कम्यूटेटिंग रिंग आर, डिफाइंस आई रेशियो जे इक्वल टू आर बिलोंग्स टू आर सच दैट आर आई सबसेट और इक्वल हो जे का। देन फॉर द रिंग जेड ऑफ इंटीजर्स व्हाट इज एट जेड रेशियो 12 जेड। आपको चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 जेड, सेकेंड है जेड, थर्ड ऑप्शन है 2 जेड एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 जेड। मुझे बताना है कि एट जेड रेशियो 12 जेड किसके इक्वल होगा। तो फ्रेंड, जो पहला इसमें काम मुझे करना ये है, जो वो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है मुझे उसे समझना है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, कि यदि आई और जे दो आइडियल हैं कम्यूटेटिंग रिंग आर का, देन आई रेशियो जे
जे के घर में वो सारे एलिमेंट होंगे रिंग का, सच दैट कि आर आई जो है वो सबसेट हो 12 जेड का, वो सारे एलिमेंट जो है आई रेशियो जेड के घर में होंगे। ओके अब फ्रेंड, जो आपका यहाँ रिंग गिवन हो क्या है, तो आर जो आपका गिवन है यहाँ पे वो जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, और आई क्या गिवन है, तो आई गिवन है आपका 8 जेड, एंड जे जो गिवन है आपका वो 12 जेड है। देन मुझे बात करना है कि 8 जेड रेशियो 12 जेड वो किसके इक्वल होगा। तो फ्रेंड, 8 जेड रेशियो 12 जेड के घर में वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो इसके घर में रिंग जेड के वो सारे एलिमेंट होंगे जो आर आई, मतलब आई की जगह पर क्या है आपका 8 जेड, तो आर इंटू 8 जेड सबसेट हो 12 जेड का, वो सारे आर इसके घर में होंगे। अब फ्रेंड, यहाँ पर वो कौन कौन सा आर होगा, तो जो आपका रिंग गिवन है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। जो आपका रिंग गिवन है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ऐसे ही पुट करके देखेंगे कि कौन कौन से आर के लिए ये सबसेट है 12 जेड का। फ्रेंड, मैं यदि आर इक्वल टू 0 लूँ तो 0 × 8 जेड क्या हो जाएगा, 0, जो सबसेट है 12 जेड का, मतलब आर इक्वल टू 0 इसके घर में होगा। ओके अब मैं यदि आर इक्वल टू 1 की बात करूं, तो 1 × 8 जेड ये क्या मुझे मिलेगा, 8 जेड, क्या 8 जेड सबसेट है 12 जेड का, तो फ्रेंड 8 जेड सबसेट नहीं है 12 जेड का, मतलब कि आर इक्वल टू 1 जो है इसके घर में नहीं होगा। अब मैं यदि आर इक्वल टू 2 की बात करूं, तो आर इक्वल टू 2 है, तो 2 × 8 जेड क्या हो जाएगा, 16 जेड हो जाएगा, 2 × 8 जेड क्या हो जाएगा, 16 जेड हो जाएगा, तो क्या 16 जेड जो है वो सबसेट है 12 जेड का, तो फ्रेंड 16 जेड भी जो है सबसेट नहीं है 12 जेड का, तो हमारा आर इक्वल टू 2 भी इसके घर में नहीं होगा। अब मैं यदि आर इक्वल टू 3 की बात करूं, तो 3 × 8 जेड क्या देगा, 24 जेड देगा, जो सबसेट है 12 जेड का, तो मैं क्या बोलूंगा कि 8 r = 3 जो है इसके घर में होगा, क्योंकि वही सारा आर है रिंग का जो r × 8 जेड क्या हो, सबसेट हो, तो फिर r = 3 इसके घर में होगा। अब जब r = 3 हुआ तो r = -3 भी होगा, क्यों, क्योंकि यदि मैं r = -3 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -3 × 8 जेड, तो -24 जेड, जो सबसेट है 12 जेड का, मतलब r = -3 भी होगा। अब फ्रेंड देखिए, अब मैं r = 4 पुट करता हूँ, तो 4 × 8 जेड क्या हो जाएगा, 32 जेड हो जाएगा, जो सबसेट नहीं है 12 जेड का, मतलब 32 जेड सबसेट नहीं है 12 जेड का, मतलब r = 4 इसके घर में नहीं होगा। वैसे r = 5 भी इसके घर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 × 8 जेड क्या मिल जाएगा, 40 जेड मिल जाएगा, जो 40 जेड सबसेट नहीं है 12 जेड का। ओके अब मैं यदि r = 6 की बात करता हूँ, तो 6 × 8 जेड क्या हो जाएगा, 48 जेड हो जाएगा, 6 × 8 जेड 48 जेड हो जाएगा, जो सबसेट है 12 जेड का, मतलब r = 6 भी आपका होगा। वैसे ही जब r = 6 हुआ तो r = -6 भी होगा, वैसे ही फ्रेंड आपका बढ़ता जाएगा, इधर 9 होगा, -9 होगा, ये बढ़ता जाएगा और इधर निगेटिव में बढ़ता जाएगा, तो एक क्या मिला मुझे, तो फ्रेंड ए जो मुझे मिला वो किसके इक्वल है, 3 जेड के इक्वल है, इंटीजर के 3 मल्टीपल है, ये किसके इक्वल हो गया, 3 जेड के इक्वल हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन डी गिवन है 3 जेड, तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाई ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड 2 का ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इसमें जो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन था मुझे उसे समझना था, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, 3 जेड। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, फॉर अ कम्यूटेटिंग रिंग आर विथ आइडेंटिटी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आपका, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई इज यूनिट देन आर बाई आई इज फिल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है, एन आइडियल आई ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। एंड थर्ड स्टेटमेंट गिवन है, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। ओके देन आपको चार ऑप्शन गिवन है, मुझे बताना है कि इन तीनों में से कौन ट्रू है। ओके तो फ्रेंड जो आपको रिंग गिवन है, रिंग कैसा है, तो आर इज सी आर यू, रिंग कैसा है, तो कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी मुझे लेना है। अब मैं यदि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है आपका, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ आर नॉट इन आई इज यूनिट,
मुझे ऐसा आई लेना है, मुझे ऐसा आइडियल आई लेना है आर का, जिसमें आई के अलावा जो भी एलिमेंट हो रिंग का वो सारा क्या हो, यूनिट हो। फिर मैं ले लेता हूँ आर इक्वल टू जेड पी। ओके, अब मैं इसके यदि आइडियल की बात करूँ, अब मैं यदि इसके आइडियल की बात करूँ, तो फ्रेंड जेड पी के पास दो ही आइडियल होते हैं, एक जीरो और दूसरा जेड पी। हम लोग आइडियल जेड पी ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे जो कंडीशन में गिवन है कि आई के घर के एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट हो रिंग का वो सारा क्या हो, यूनिट हो। यदि मैं फ्रेंड आई इक्वल टू जेड पी लेता हूँ, तो इसके घर के अलावा कोई और एलिमेंट बचता ही नहीं है, इसके घर में जो भी एलिमेंट है उसके अलावा रिंग के पास कोई एलिमेंट बचता ही नहीं है, तो यूनिट होगा ही नहीं। मतलब फ्रेंड कि आई इक्वल टू जेड पी हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आई इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं? तो आई इक्वल टू हम लोग जीरो ले सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड हम आई इक्वल टू जीरो लिए, उस कंडीशन को फुलफिल किया जो आपका स्टेटमेंट में गिवन है, क्या कि आई के अलावा, तो जीरो के अलावा जेड पी के पास जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, यूनिट एलिमेंट है। ओके, देन मुझे चेक करना है कि आर बाई आई जो होगा वो फिल्ड होगा या नहीं होगा। तो आर बाई आई किसके इक्वल होगा? तो जेड पी बाई जीरो के। और एक किसका आइसोमॉर्फिक होता है? तो ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी के। अब मुझे बताना है कि जेड पी फिल्ड होगा या नहीं होगा। जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जेड पी इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू प्राइम। और यहां पर पी आपका क्या है? प्राइम है। तो मैं बोल सकता हूं कि क्या है आपका? फील्ड है। तो फ्रेंड यहां से हमारा स्टेटमेंट वन जो है, इम्प्लाई स्टेटमेंट वन जो है वह करेक्ट हो गया, मतलब आर बाई आई फील्ड होगा। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है एन आइडियल आई ऑफ आर इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। तो फ्रेंड ये तो आपका प्रूफ कंडीशन है कि कोई भी आइडियल प्राइम आइडियल होता है इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। फ्रेंड इस पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे, ये हमारा प्रूफ कंडीशन है। तो फ्रेंड हमारा स्टेटमेंट टू भी ट्रू होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट थ्री की बात करते हैं। तो थ्री गिवन है कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। ओके, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल। तो फ्रेंड ये आपका सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि आपका रिंग अगर यहीं आपका क्वेश्चन में दिया रहता कि फाइनाइट कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी, देन मैं बोलता कि एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा। लेकिन यहाँ पे बस गिवन है कि कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी, मतलब मैं रिंग इनफाइनाइट भी ले सकता हूँ, देन नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं भी हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लूँ जो इसको कंट्राडिक्ट करें? तो मैं ले लेता हूँ लेट आर इक्वल टू जेड एक्स। ओके, और इसका प्राइम आइडियल मैं क्या ले लूँ? तो इसका मैं प्राइम आइडियल ले लेता हूँ जो नॉन जीरो हो वो क्या हो, जनरेटेड बाई एक्स। एक क्या है? जेड एक्स का प्राइम आइडियल है। ओके, अब मैं फ्रेंड यदि जेड एक्स बाई एक्स करूँ तो एक किसके इक्वल आइसोमॉर्फिक होगा? तो ये जेड का आइसोमॉर्फिक होगा। और एक क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आइडियल प्राइम आइडियल होगा या मैक्सिमल आइडियल होगा, पहले मैं प्राइम आइडियल की बात करता हूँ, तो कोई भी आइडियल यदि मैक्सिमल आइडियल है देन आर बाई आई क्या होना चाहिए? फिल्ड होना चाहिए। एक क्या है? नॉट फिल्ड। जब ये फिल्ड नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगा मैक्सिमल आइडियल तो नहीं होगा, नॉट मैक्सिमल आइडियल। ओके फ्रेंड, एक कंडीशन ही होता है कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज फिल्ड। आपका आर बाई आई फिल्ड है ही नहीं तो आई आपका मैक्सिमल कैसे हो जाएगा? फ्रेंड आपका जो स्टेटमेंट थ्री गिवन है वह इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी गिवन है, ओनली वन एंड टू आर ट्रू, तो हमारा ऑप्शन सी जो है फ्रेंड वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थ्री का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर फाइव गिवन है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6x6 रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज। ओके, मुझे किसका डायमेंशन फाइंड करना है? 6x6 एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। फ्रेंड मैं यदि जनरल बात करूं कि डायमेंशन ऑफ रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ एन बाई एन ऑर्डर का, तो क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। ओके, अब जो यहाँ पे एन बाई एन गिवन है वो क्या है? यहाँ पे जो आप एन बाई एन गिवन है वो क्या है? तो एन इक्वल टू गिवन है फ्रेंड आपका 6।
अब मुझे डायमेंशन बताना है, तो मैं डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 6 − 1 / 2, 2 × 3 हुआ, तो ये क्या हो गया 15। हमारा ऑप्शन ए जो है 15 वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्प्लाई ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आपका, सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। सही बात है, यदि मैं जेड की बात करूँ तो जेड के घेरे में जितने सारे सबरिंग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। तो फ्रेंड हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट बी की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट बी गिवन है कि सबरिंग ऑफ अ फील्ड इज सब फील्ड। ओके, तो फील्ड मैं ले लेता हूँ एफ इक्वल टू क्यू, और मैं सबरिंग ले लेता हूँ जेड। ओके, ये क्या है, फील्ड है, ये इसका सबरिंग है, तो क्या ये फील्ड है, तो फील्ड ए जो मैं बात करूँ तो नॉट फील्ड। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, आपका स्टेटमेंट में गिवन है कि एवरी सबरिंग ऑफ अ फील्ड इज सब फील्ड। सब फील्ड कहने का मतलब क्या है, फील्ड। तो फ्रेंड ए क्या है, फील्ड नहीं है, मतलब मुझे ऐसा सबरिंग मिल रहा है फील्ड के पास जो सबरिंग सो जो सब फील्ड नहीं है। तो फ्रेंड हमारा स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट सी की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट सी गिवन है कि फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। सही बात है, किसी भी फील्ड के पास दो ही आइडियल होते हैं जो दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर। कौन कौन, तो एक जीरो और दूसरा कोई खुद फील्ड। तो मैं यहाँ से बोलूंगा फ्रेंड का स्टेटमेंट सी जो गिवन है ये भी आपका ट्रू है। अब हम स्टेटमेंट डी की बात करते हैं, तो डी गिवन है कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी इज ए फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। फ्रेंड ये भी हमारा फील्ड का ही प्रॉपर्टी है, तो हमारा स्टेटमेंट डी भी जो है वो करेक्ट हो गया। तो मुझे ढूंढना क्या था कि चारों स्टेटमेंट में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। फ्रेंड हमारा फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, बी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, लेट आर बी रिंग विथ करेक्टरिस्टिक एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इफ एम इज रिंग ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस ओवर आर देन करेक्टरिस्टिक ऑफ एम। मुझे क्या फाइंड करना है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एम क्या होगा। आपको चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट है एन, सेकेंड है जीरो, थर्ड ऑप्शन है n − 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। मुझे बताना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड जो आपको रिंग लेना है वो कैसा रिंग लेना है, ऐसा रिंग लेना है जिसका करेक्टरिस्टिक एन हो, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो, देन मुझे बात करना है कि M2 ओवर रिंग R का करेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो फ्रेंड मैं यदि ले लेता हूँ R इक्वल टू Z2, ओके, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, तो करेक्टरिस्टिक में बात करूँ ऑफ Z2 तो इसका क्या है, 2 है। ओके, अब देखिए मुझे जो बात करना हो किसका बात करना है, तो M2 ओवर R का करना है, और R आपने क्या लिया है, तो M2 ओवर Z2, R आपका क्या है, Z2 है। मुझे बात करना है कि M2 ओवर Z2 का जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो फ्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि Z2 का जो भी इसके घर में जो भी एलिमेंट होगा किस टाइप का एलिमेंट होगा, तो मैं लिखूं कि ए बी सी डी इस तरह का इस मैट्रिसेस होगा, जहां ए बी कहाँ से, जहां ए बी सी डी किससे आएगा, तो Z2 से आएगा। तो फ्रेंड यदि मैं करेक्टरिस्टिक बात करूँ M2 Z2 का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ M2 ओवर Z2 का, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यदि मैं R इक्वल टू Z3 ले लूं, क्योंकि आप अगर 2 से मुझे कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है क्या है, तो मुझे ऐसा स्मॉलेस्ट एन ढूंढना होता है जिसमें यदि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 0 मिले। फिर यदि आप 2 से इस किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब मैं R इक्वल टू Z3 की बात करूँ, तो M2 ओवर Z3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M2 ओवर Z3 क्या हो जाएगा, फ्रेंड 3 हो जाएगा। ऐसे इफ R इक्वल टू मैं Z4 लूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M2 ओवर Z4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड आप यहाँ से देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z2 क्या था, 2 था, और इसमें जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है उसके सारे एंट्रीज कहाँ से हैं, Z2 से हैं। तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फ्रेंड ये मुझे मैट्रिक्स जो कोई भी किसी भी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करूँ M2 ओवर Z2 का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं M2 ओवर Z3 में किसी भी मैट्रिक्स से 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम 4, तो कैरेक्टरिस्टिक भी तो यही होता है। तो फ्रेंड ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एन का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ एम टू ओवर जेड एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन ए गिवन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम इज एन, तो फ्रेंड हमारा यहाँ से ऑप्शन ए जो है इम्प्लाई ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड हमारा सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन गिवन है आपका, लेट द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x5 + 15x4 - 20x³ + 10x + 20 बिलोंग्स टू जेड एक्स एंड एफ नॉट एक्स बी द पॉलीनोमियल इन जेड थ्री ओवर एक्स ऑब्टेन बाई रिड्यूसिंग द कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स मॉडुलो 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है आपका एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू एंड एफ नॉट एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। सेकेंड है रिड्यूसिबल ओवर थीटा क्यू एंड एफ नॉट एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। मतलब फ्रेंड मुझे बात करना है कि एफ एक्स जो होगा क्यू के ऊपर रिड्यूसिबल होगा या इरिड्यूसिबल होगा, एंड एफ नॉट एक्स जो होगा वो जेड थ्री के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा या रिड्यूसिबल होगा। ओके तो फ्रेंड जो आपका फंक्शन एफ एक्स गिवन है वो क्या गिवन है, तो मैं यदि एफ एक्स लिखूँ तो एफ एक्स गिवन है 3x⁵ - 20x⁴ - 20x⁴ जो बिलोंग करता है जेड ओवर एक्स में। देन मुझे बताना है कि एफ एक्स जो होगा क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा या रिड्यूसिबल होगा। तो फ्रेंड पहला मेथड क्या है कि आप इसका रूट फाइंड कर लीजिए कि जेड के घर में इसके पास रूट मिलता है या नहीं मिलता है। यदि जेड के घर में इसके पास रूट मिला देन मैं बोलूंगा कि रिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज इरिड्यूसिबल होगा। तो फ्रेंड पहला मेथड तो ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर 5 डिग्री का है तो यहाँ पर रूट फाइंड करना इतना आसान तो है नहीं, तो हम लोग जो बात करेंगे वो दूसरे मेथड से बात करेंगे। दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्रिटेरिया, आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्रिटेरिया EIC, जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स एन जो बिलोंग करता है जेड एक्स के घर से, जो बिलोंग करता है जेड ओवर एक्स के घर से, वेयर उसका कॉफिशियंट जो है वो इंटीजर से हो, देन इफ देयर एग्जिस्ट पी सच दैट पी डिवाइड्स ए नॉट ए वन ए टू एन माइनस वन एंड पी डजेंट डिवाइड्स एन एंड पी स्क्वायर डजेंट डिवाइड्स ए नॉट, देन मैं बोलता हूँ कि जो एफ एक्स गिवन है आपका वो क्यू के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा। ओके अब देखिए फ्रेंड यहाँ मैं बात करता हूँ कि मुझे वो कौन सा प्राइम मिलेगा, तो मैं ले लेता हूँ लेट पी इक्वल टू 5। मैंने क्या लिया, लेट पी इक्वल टू 5। अब फ्रेंड देखिए 5 जो है वह डिवाइड करता है ए नॉट को, ए नॉट क्या है आपका 20। ओके 5 जो है वह डिवाइड करता है ए वन को, करना चाहिए ए वन क्या है आपका 10, इसे भी डिवाइड कर रहा है। 5 जो है वह डिवाइड करना चाहिए ए टू को भी, तो फ्रेंड 5 जो है वह ए टू को भी डिवाइड करेगा। अब आपके ए टू यहाँ पर है क्या, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट, और एक्स स्क्वायर है नहीं तो कॉफिशियंट क्या होगा 0, मतलब 5 0 को भी डिवाइड कर रहा है। साथ में 5 जो है वो 3 को भी डिवाइड करना चाहिए, मतलब ए थ्री को, ए थ्री क्या है आपका 15, तो फ्रेंड 5 जो है 15 को भी डिवाइड कर रहा है। साथ में 5 जो है डजेंट डिवाइड्स ए एन, ए एन क्या है आपका, ए क्या है आपका एन है, ए क्या है सॉरी मैं यहाँ पे एन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये क्या हो गया आपका ए नॉट, ए हो गया ए वन, ए टू हो गया यहाँ पे, ये हो गया ए थ्री, ये हो गया ए फोर, और ये हो गया आपका ए फाइव। साथ में 5 जो है वो एन को डिवाइड नहीं करना चाहिए, एन क्या है आपका तो ए फाइव इक्वल टू 3, फ्रेंड 5 जो है 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। साथ में 5² डजेंट डिवाइड्स ए नॉट, और ए नॉट क्या है आपका 20, तो 25 जो है 20 को डिवाइड नहीं करता है। देन हम लोग बोलते हैं कि देन जो आपका एफ एक्स गिवन है इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, देन मैं क्या बोलता हूँ कि एफ एक्स जो होगा इरिड्यूसिबल होगा क्यू के ऊपर। तो फ्रेंड जैसे ही हम लोग आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्रिटेरिया लगाते हैं तो हमारा वर्क जो है काफी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड मुझे ये पता रहना चाहिए आइंस्टीन इरिड्यूसिबल क्रिटेरिया, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में जो है आप इसका रूट फाइंड करने लग जाइएगा, क्योंकि रूट फाइंड करना इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ से मुझे क्या मिला कि एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एफ नॉट एक्स की। तो एफ नॉट एक्स क्वेश्चन में डिफाइंड है क्या है, तो बोला गया है कि एफ नॉट एक्स बी द पॉलीनोमियल इन जेड थ्री ओवर एक्स ऑब्टेन्ड बाई
रिड्यूसिंग द कोफिशियंट ऑफ एफ एक्स मॉडलो थ्री, मतलब जो आपका एफ एक्स गिवन है यदि मैं उस पर मॉडलो थ्री चलाऊँ उसे कोफिशियंट पे, तो जो पॉलिनोमियल मुझे मिलता है वही हमारा क्या है, एफ नॉट एक्स है। ओके तो फ्रेंड जो आपका एफ एक्स गिवन है वो क्या है, ए है। अब मैं इस पर मॉडलो थ्री चलाऊँ, तो यहाँ पे मैं थ्री चलाऊँ मॉडलो थ्री, थ्री पे मैं मॉडलो चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो इंटू एक्स फाइव है प्लस 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स फोर हो जाएगा माइनस। अब फ्रेंड देखिए यहाँ -20 इंटू एक्स क्यूब है, तो मैं यहाँ चलाऊंगा मॉडलो थ्री, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 10x है। यदि मैं यहाँ पे मॉडलो थ्री चलाऊँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और एक क्या है 20, यदि मैं यहाँ मॉडलो थ्री चलाऊँ तो ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। मतलब फ्रेंड आपको पॉलिनोमियल क्या मिला, तो ये तो जीरो हो गया, तो पॉलिनोमियल मिला आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री, जो बिलोंग कर रहा है जेड, सॉरी जेड थ्री ओवर एक्स में। अब मुझे चेक करना है कि ए जो होगा जेड थ्री के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा या रिड्यूसिबल होगा, इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड ए आपका क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू। ए क्या गिवन है आपका, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, और मुझे ऐसा चेक करना है कि जेड थ्री के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा या इरिड्यूसिबल होगा। तो फ्रेंड मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स, अगर मैं बात करूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू का, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, सेम चीज़ है। तो फ्रेंड यदि मैं इसे लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू, यदि मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, यदि मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब देखिए ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो फ्रेंड ए इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन के। ओके अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर रूट फाइंड करेंगे कि यहाँ पर वर्क आसान है। ओके अब मैं यदि इसे जीरो के इक्वल करूँ, यदि मैं इसका रूट फाइंड करूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू मैं जीरो करूँ और एक्स इक्वल टू मैं माइनस वन करूँ, आपका मॉडलो थ्री चल रहा है यहाँ पे, मॉडलो थ्री चलेगा। फ्रेंड इसका अगर मैं रूट फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा वन प्लस, तो फ्रेंड ये तो आपका कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, तो ये आपके इमेजिनरी आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से मतलब नहीं है। एक्स इक्वल टू माइनस वन मिला, यदि इसमें मैं मॉडलो चलाऊँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू, जो इसके जेड थ्री के घर का एलिमेंट है। टू क्लास किसके घर का एलिमेंट है, जेड थ्री का घर के एलिमेंट है। मतलब जेड थ्री में मुझे इस पॉलिनोमियल का एफ नॉट एक्स का एक रूट मिल रहा है। फ्रेंड यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि एफ नॉट एक्स जो है इज रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। क्यों, क्योंकि मुझे एफ नॉट एक्स का एक रूट एक्स इक्वल टू टू जो है मुझे रूट मिला, जो बिलोंग करता है कहाँ से, जेड थ्री से, एक्स एक्स इक्वल टू टू क्लास मिला जो मुझे वो बिलोंग कर रहा है जेड थ्री से। मतलब रूट, सिंपल बात है, रिड्यूसिबल का मतलब क्या है, जो रिड्यूस हो सकता है, जिसके पास रूट मिले, जिसके पास रूट मिले वो रिड्यूस हो सकता है, सिंपल आप समझ सकते हैं। फिर इसका रूट मिला जो मतलब रिड्यूस होगा, तो एफ नॉट एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। अब जो आपको ऑप्शन गिवन है, तो फ्रेंड आपको ऑप्शन सी जो गिवन है, एफ एक्स इज इ रिड्यूसिबल ओवर क्यू एंड एफ नॉट एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री, फिर यहाँ से ऑप्शन सी जो है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, लेट आर बी रिंग विथ यूनिटी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ आर इज एन आइडम्पोटेंट देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर। ओके आपको चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है जीरो, सेकंड है टू, थर्ड ऑप्शन है नॉट प्राइम एंड दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड मुझे जो रिंग लेना है वो कैसा रिंग लेना है, तो मुझे ऐसा रिंग लेना है जिसके पास यूनिटी हो, साथ में रिंग का जितना सारा एलिमेंट हो वो सारा क्या हो, आइडम्पोटेंट हो। ओके देन मुझे बात करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या होगा। तो फ्रेंड मैं यदि बात करूँ लेट आर इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ पी एन डेल इंटरसेक्शन। ओके मैंने इनफाइनाइट रिंग ले लिया। ओके अब फ्रेंड देखिए इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे आइडम्पोटेंट है, कैसे, तो मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि आइडम्पोर्टेंट हम लोग जो बात करते हैं वो सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं, सेकंड ऑपरेशन क्या आपका इंटरसेक्शन है, तो मैं यदि ए इंटरसेक्शन ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एन। मतलब पी एन के घर में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे क्या है, आइडम्पोर्टेंट है। ओके तो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, देन मुझे चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर क्या होगा। तो फ्रेंड मैं यदि आर इस आर का कैरेक्टरिस्टिक मतलब पी एन का कैरेक्टरिस्टिक का बात करूं, तो फ्रेंड पी एन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन वो क्या होगा, टू होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टू होता है। मतलब डेल को जो है मैं दो टाइम ऑपरेट करवाऊँ, डेल को जो है
मैं दो टाइम ऑपरेट करवाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब फ्रेंड कि पीएन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, टू होता है। तो फ्रेंड ये तो हुआ कि आपने एक रिंग लिया जो इनफाइनाइट रिंग था, उसका कैरेक्टरिस्टिक टू हो गया। क्या सारा रिंग जो होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक टू ही होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ लेट आर इक्वल टू जेड टू। अब जेड टू के घर में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के होते हैं, तो जीरो क्लास होते हैं, वन क्लास होते हैं। यदि मैं जीरो का स्क्वायर करूँ तो मुझे जीरो ही मिलेगा, और वन का स्क्वायर करूँ तो मुझे वन ही मिलेगा। मतलब जेड टू के घर में भी जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, एडमपोटेंट एलिमेंट हैं। अब मैं इस कैरेक्टरिस्टिक का बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड टू ये भी क्या दे रहा है, टू दे रहा है। मतलब आपने एक इनफाइनाइट रिंग लिया और आपने एक फाइनाइट रिंग लिया, दोनों रिंग में जो है सारे एलिमेंट क्या थे, आइडमपोर्टेंट थे, देन कैरेक्टरिस्टिक मुझे क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। मतलब फ्रेंड हमारा ऑप्शन जो बी है, टू आंसर, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि इम्प्लाई ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 गिवन है, द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ क्यू कंटेनिंग 2/3 इज। ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 2/3 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, ए बी कहाँ से है, तो जेड से है। हम लोग इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, पहले हम लोग चारों ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपका एस इक्वल टू क्यू, सी ऑप्शन गिवन है एस इक्वल टू ए इंटू 2/3 का होल पावर के सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड के बिलोंग्स टू सॉरी एन, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड ऑप्शन डी गिवन है आपका एस इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू 2/3 प्लस ए टू इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही बढ़ते गया कहाँ तक है, एन इंटू 2/3 का होल पावर एन सच दैट क्या गिवन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए आई में लिख देता हूँ बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल आई इक्वल टू 0, 1, 2 एंड अप टू एन। ओके, अब फ्रेंड मुझे बात करना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट सबरिंग कौन होगा क्यू का जो 2/3 को कंटेन कर रहा है। ओके, यदि मैं ऑप्शन ए और बी में कंपेयर करूं तो फ्रेंड मैं ऑप्शन सी को पहले ले लेता हूं। ओके, अब मैं सी से कंपेयर करूंगा सारे ऑप्शन को। अब मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या गिवन है, एस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 2/3 जहां ए बी बिलोंग्स टू सी। फिर देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कंपेयर करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ए जो है आपको चारों ऑप्शन जो है वो सारा सबरिंग है जो 2/3 को कंटेन कर रहा है, लेकिन मुझे बात करना है कि इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन होगा। मतलब यदि मैंने एस इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 2/3 मतलब ऑप्शन ए लिया और ऑप्शन सी से यदि मैं कंपेयर करूं, मैं मान लेता हूं कि लेट मैं ले लेता हूं लेट बी इक्वल टू के इंटू 2/3 का होल पावर एन माइनस वन, 3 का होल पावर एन माइनस वन एंड ए इक्वल टू 0। फ्रेंड एस क्या हो जाएगा, तो एस जो हो जाएगा आपका के इंटू 2/3 का होल पावर एन माइनस वन है और इंटू 2/3 तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू एन एंड के बिलोंग्स टू जे। अब फ्रेंड देखिए एक किसके इक्वल हो गया, तो ये जो आपका ऑप्शन सी गिवन है वो इसके इक्वल हो गया। तो फ्रेंड जब आपने बी इक्वल टू के इंटू 2/3 इंटू ए का पावर एन माइनस वन और ए को 0 लिया तो ए ऑप्शन सी के बराबर हो गया। मतलब कि जब ए इक्वल टू 0 लिया तब इसके इक्वल हुआ, अगर ए इक्वल टू 0 नहीं होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा फ्रेंड कि ए जो ऑप्शन सी है उसको ये प्रॉपरली कंटेन करेगा। फ्रेंड आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका ऑप्शन ए गिवन है उसमें आपने बी ऐसा लिया और ए को जब 0 किया तो सी के इक्वल हो गया। ठीक है, यदि मैं ए को इक्वल नहीं करूं और बी को मैंने ले लूं के इंटू 2/3 का होल पावर एन माइनस वन तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी के, जो सी को प्रॉपरली कंटेन करता है। मतलब यदि मैं ए और सी में कंपेयर करूं तो हमारा ऑप्शन सी जो है ए से छोटा है। तो फ्रेंड यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए जो है ऑप्शन आपका स्मॉलेस्ट तो नहीं होने वाला है।
अब ऑप्शन बी जो गिवन है एस इक्वल टू क्यू, तो फिर ए तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। ओके, एस इक्वल टू क्यू तो आपका ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि ये सबसे, ये जो आपका रिंग है वही दे दिया गया है। अब मैं ऑप्शन डी की बात करूं, फ्रेंड ऑप्शन डी में भी वही काम करना है। आप क्या क्या कीजिए, ए नॉट, ए वन, ए टू, एन माइनस वन जितने हैं वो सबको जीरो ले लीजिए और सिर्फ एन को रहने दीजिए। तो एन इंटू 2/3 के होल पावर एन एक किसके इक्वल हो जाएगा, तो फ्रेंड ऑप्शन सी के इक्वल हो जाएगा। कब, जब आपने ए नॉट से लेकर एन माइनस वन तक के कोफिशियंट को जीरो कर दिया है। यदि मैं जीरो ना करूं तब क्या होगा, वो ऑप्शन सी को प्रॉपरली कंटेन करेगा। मतलब फ्रेंड यदि मैं सी और डी में कंपेयर करूं तो ऑप्शन डी जो है वो सी को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, मतलब सी से बड़ा सबरिंग है। तो फ्रेंड यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी भी जो है हमारा इनकरेक्ट है। फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड इसमें आप बस कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन हमारा स्मॉलेस्ट सबरिंग होगा जो 2/3 को कंटेन करेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 11 गिवन है, द आइडियल एक्स ऑफ द रिंग जेड ओवर एक्स इज, आपको चार ऑप्शन गिवन है, मैक्सिमल आइडियल बट नॉट प्राइम आइडियल, बी ऑप्शन गिवन है प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, सी ऑप्शन गिवन है बोथ प्राइम एंड मैक्सिमल एंड नाइदर प्राइम नॉर मैक्सिमल। मतलब फ्रेंड मुझे चेक करना है कि जो एक्स आइडियल आपका दिया हुआ है वो जेड ओवर एक्स का प्राइम आइडियल होगा या मैक्सिमल आइडियल होगा। ओके, तो फ्रेंड जो रिंग आपका गिवन है वो क्या है, तो रिंग जो गिवन है वो जेड ओवर एक्स है और जो आपका आइडियल गिवन है वो क्या है, एक्स है। मुझे चेक करना है कि एक्स जो होगा प्राइम आइडियल होगा या नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पर वर्क क्या करेंगे, आर वाई आई करेंगे और देखेंगे कि किसके इक्वल आ रहा है। तो जेड एक्स बाई, यदि मैं एक्स करूँ तो फ्रेंड ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये आइसोमॉर्फिक टू होता है जेड। अब मैं इसका बात करूँ तो ये तो इंटीग्रल डोमेन होता है बट नॉट। और फ्रेंड हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पर रखी है कि कोई भी आइडियल जो होता है प्राइम आइडियल होता है इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। ओके, अब फ्रेंड यदि मैं आई को, आई आपका जो गिवन है एक्स है, तो आर बाई आई यदि आपका इंटीग्रल डोमेन है तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स जो है आपका प्राइम आइडियल होगा। ओके, और फ्रेंड ये जो है जेड जो है वो फील्ड नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्स जो है नॉट मैक्सिमल आइडियल। क्यों, क्योंकि कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज फिल्ड। तो फ्रेंड ए जो होगा हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो जो ऑप्शन गिवन है प्राइम, ऑप्शन बी जो गिवन है प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, तो हमारा ऑप्शन बी जो है फ्रेंड वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडियल एक्स जो है वो प्राइम तो है बट मैक्सिमल नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल इज नॉट इरेड्यूसिबल ओवर जेड। मुझे चेक करना है कि जो चार ऑप्शन गिवन है आपको, इनमें से कौन पॉलीनोमियल जो है जेड के ऊपर इरेड्यूसिबल नहीं है। ओके, फर्स्ट पॉलीनोमियल गिवन है आपका एक्स टू द पावर 4 प्लस 125 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस। मुझे चेक करना है कि पॉलीनोमियल जो है इरेड्यूसिबल ओवर जेड है या नहीं है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले जो है डिस्कस किया था आइंस्टीन इरेड्यूसिबल क्रिटेरिया के बारे में, सेम वर्क हम लोग यहाँ भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्थ पावर है, तो यहाँ पर आप जो है रूट निकाल तो नहीं सकते हैं इतना इजिली जो है आप रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड लगाएंगे, आइंस्टीन इरेड्यूसिबल क्रिटेरिया। ओके, मतलब यहाँ मुझे एक ऐसा पी ढूंढना है जो ए नॉट, ए वन, ए टू, एन माइनस वन को डिवाइड करे, लेकिन ना तो एन को डिवाइड करे ना ही पी स्क्वायर जो है ए नॉट को डिवाइड करे, तो मैं बोलूंगा कि वो जो है इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। ओके, मैं ले लेता हूँ कि लेट पी इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए 5 जो है वो ए नॉट को डिवाइड करता है, तो ए क्या है आपका, ए नॉट है, ए आपका ए वन है और ए टू आपका जीरो है। ए साथ में क्या है, सॉरी, ए टू आपका ए है, ए थ्री आपका जीरो है और ए क्या है आपका फ्रेंड, ए फोर है। तो 5 जो है वो ए नॉट को डिवाइड करता है 5 को, 5 जो है वो ए वन को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो ए टू को भी डिवाइड कर रहा है, साथ में 5 जो है ए थ्री को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, अब क्या करना चाहिए, तो 5 जो है वो डिवाइड नहीं करना चाहिए एन को। तो एन क्या है आपका, ए फोर, और ए फोर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 5 जो है 1 को डिवाइड नहीं करता है, साथ में
फाइव का स्क्वायर जो है वह डिवाइड नहीं करना चाहिए ए नॉट को, ए नॉट क्या है आपका फाइव, तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। मैं क्या बोलूंगा कि इम्प्लाई जो आपका एफ एक्स गिवन है इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। अब फ्रेंड जैसे ही इरिड्यूसिबल ओवर क्यू हुआ तो एक क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड, क्योंकि फ्रेंड इरिड्यूसिबल का मतलब क्या है कि आपके पास ओवर क्यू फील्ड जब रूट नहीं मिला तो जेड के ऊपर रूट कैसे मिल जाएगा, जब क्यू के ऊपर आपको रूट नहीं मिला तो जेड के ऊपर फ्रेंड आपको रूट नहीं मिलेगा। मतलब एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू देन इम्प्लाई करता है कि एफ एक्स जो होगा इरिड्यूसिबल होगा ओवर जेड के। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना था कि कौन इरिड्यूसिबल नहीं है, तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए जो है वह इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन टू की बात करते हैं। ऑप्शन टू में गिवन है 2x³ + 6x + 12। क्या गिवन है, 2x³ + 6x + 12। मुझे चेक करना है कि इरिड्यूसिबल होगा या नहीं होगा, मुझे चेक करना है कि इरिड्यूसिबल होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ भी हम लोग सेम वर्क करेंगे क्या, तो मैं ले लेता हूँ कि लेट p इक्वल टू, मैं क्या ले लूँ तो मैं ले लेता हूँ p इक्वल टू 3। ओके फ्रेंड जैसे मैंने p इक्वल टू 3 लिया तो 3 जो है वो a नॉट को डिवाइड कर रहा है, यहाँ a नॉट क्या हमारा 12 है, a1 क्या है 6 है, a2 हमारा 0 है एंड a3 क्या है 2 है। तो फ्रेंड 3 जो है डिवाइड कर रहा है 12 को, 3 जो है डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 जो है डजंट डिवाइड सॉरी 3 जो है डिवाइड कर रहा है 0 को, 3 जो है डजंट डिवाइड 2 एंड 3 स्क्वायर डजंट डिवाइड a नॉट, a नॉट क्या है आपका 12। तो फ्रेंड यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू इम्प्लाई एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड। तो फ्रेंड ये भी क्या हो गया हमारा, जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल हो गया। मुझे फाइंड करना था कि कौन जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल नहीं है, तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन बी भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड ऑप्शन सी क्यों हम लोग अभी स्किप करते हैं और ऑप्शन फोर चलते हैं, तो ऑप्शन फोर क्या गिवन है आपका, x^4 + x^3 + x²+x+1। ओके अब फ्रेंड मुझे ये चेक करना है कि जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि साइक्लोटोनिक पॉलीनोमियल, साइक्लोटोनिक पॉलीनोमियल क्या कहता है, अगर मैं बात करूं साइक्लोटोनिक पॉलीनोमियल की, साइक्लोटोनिक पॉलीनोमियल की फ्रेंड ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ पी इज प्राइम देन 1 + x + x²+x^p-1 इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड, इरिड्यूसिबल ओवर जेड। अब फ्रेंड देखिए यदि मैं ले लूं यहां p इक्वल टू 5 देन क्या होगा, 1 + x + x²+x³+x^4 ये क्या होगा इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड। और फ्रेंड देखिए आपका जो एफ एक्स गिवन है वो क्या है, यही तो है x^4 + x³+x²+x+1। तो फ्रेंड ये क्या होगा, जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल हो गया। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है जब जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल है और मुझे फाइंड ये करना है कि कौन जेड के ऊपर इरिड्यूसिबल नहीं है, तो फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन सी जो है मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 में से कोई एक तो ट्रू होगा ही। तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन जो डिस्कार्ड कर दिया तो हमारा चौथा ऑप्शन ट्रू होगा ही, फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 गिवन है, फॉर द आइडियल आई इक्वल टू x² + 1 of zx, which of the following is true, I is maximal ideal but not prime ideal, I is prime ideal but not a maximal ideal। मतलब फ्रेंड मुझे चेक करना है कि I जो गिवन है आपका वो प्राइम आइडियल होगा या मैक्सिमल आइडियल होगा। ओके तो जो रिंग गिवन है वो आपका क्या गिवन है, तो रिंग गिवन है फ्रेंड z ओवर x और I जो गिवन है आपका x² + 1 गिवन है। मुझे चेक करना है कि I जो होगा प्राइम आइडियल होगा या मैक्सिमल आइडियल होगा। तो फ्रेंड यदि मैं r / i करूं तो ये किसके इक्वल होगा, तो जेड ओवर एक्स बाय x² + 1। ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, तो फ्रेंड ए आइसोमॉर्फिक होता है जेड आई के, और इसके एलिमेंट किस टाइप को होते हैं, तो इसके एलिमेंट होते हैं ए प्लस
आई बी टाइप के सच दैट कि ए और बी जो है बिलोंग करता है जेड से। अब फ्रेंड ए जो है जेडाई जो होगा वो क्या होता है, फील्ड होता है। तो फ्रेंड मैं बात करूँ जेडाई का तो इंटीग्रल डोमेन तो होता है बट नॉट फील्ड। इंटीग्रल डोमेन तो होता है जो लेकिन फील्ड नहीं होता है। और फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि आई जो होता है कोई भी आइडियल वो प्राइम आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन, एंड आई जो होगा मैक्सिमल आइडियल होगा इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज फील्ड। तो फ्रेंड ए जो है आर बाई आई जो है वो फील्ड तो नहीं है, मतलब आई जो होगा आपका वो मैक्सिमल आइडियल तो नहीं होगा, नॉट मैक्सिमल आइडियल। क्योंकि मैक्सिमल आइडियल अगर होता तो आर बाई आई क्या आता, हमारा फील्ड आता, लेकिन ये फील्ड नहीं है और इंटीग्रल डोमेन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बट आई इज प्राइम आइडियल, मतलब आई जो है आपका प्राइम आइडियल तो है लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो फ्रेंड हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, आई इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, इम्प्लाई ऑप्शन बी जो है हमारा ट्रू हो गया। फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट आर बी फाइनाइट कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी। ओके, आर क्या गिवन है आपका, आर इज सी आर यू, एंड पी बी एन आइडियल इन आर सेटिस्फाइंग ए बी बिलोंग्स टू पी इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। ओके, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर कंसिडर द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका पी इज फाइनाइट आइडियल, सेकेंड है पी इज प्राइम आइडियल, एंड थर्ड है पी इज मैक्सिमल आइडियल। देन आपको ऑप्शन गिवन है, बताना है कि इन तीनों में से कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड जो रिंग गिवन है वो कैसा है आपका, फाइनाइट कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर इज फाइनाइट, अगर मैं बात करूँ आर का तो आर कैसा है, तो आर इज फाइनाइट सी आर यू। देन आपको गिवन है एंड पी बी एन आइडियल इन आर सेटिस्फाइंग ए बी बिलोंग्स टू पी इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी फॉर एनी बी ए बी बिलोंग्स टू फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड आप गौर से देखिएगा तो जो पी आइडियल का जो प्रॉपर्टीज गिवन है यहाँ पे कि पी इज एन आइडियल इन आर सेटिस्फाइंग ए बी बिलोंग्स टू पी इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड एक किसका डेफिनेशन होता है, तो ये प्राइम आइडियल का डेफिनेशन होता है। एक क्या किसका डेफिनेशन होता है, तो ये प्राइम आइडियल का डेफिनेशन होता है, मतलब प्राइम आइडियल का डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ में आपका जो स्टेटमेंट टू जो है वो प्राइम आइडियल के बारे में पूछ रहा है कि पी प्राइम आइडियल होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड आपका स्टेटमेंट टू जो है वो यहीं से दिख रहा है कि करेक्ट है। अब मैं यदि स्टेटमेंट वन की बात करूँ कि पी इज फाइनाइट आइडियल, तो जब आपका रिंग कैसा है, रिंग जब आपका फाइनाइट है, जैसे घर में जितने सारे आइडियल होंगे सारे क्या होंगे, फाइनाइट ही होंगे। तो फ्रेंड हमारा स्टेटमेंट वन भी जो है करेक्ट है। अब मैं स्टेटमेंट थ्री की बात करता हूँ कि पी इज मैक्सिमल आइडियल, पी इज मैक्सिमल आइडियल, तो क्या मैक्सिमल आइडियल होगा। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि आर क्या हो, फाइनाइट कम्यूटेटिंग रिंग विद यूनिटी हो, देन एवरी प्राइम आइडियल, मैं यदि लिखूं ऐसा कि इफ आर इज फाइनाइट सी आर यू फाइनाइट कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी, देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। जब रिंग जो है कैसा हो, फाइनाइट कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी हो, देन एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। तो फ्रेंड हमारा यहाँ से हमारा ऑप्शन थ्री भी जो है, सॉरी ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट, वह करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यदि रिंग फाइनाइट नहीं होता सिर्फ कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी होता तो मैं नहीं बोल पाता ये एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। लेकिन आप जो है फाइनाइट दिया हो साथ में कम्यूटेटिंग रिंग विथ यूनिटी हो, देन मैं बोल सकता हूँ कि एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। फ्रेंड हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री, तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो हमारा ऑप्शन की मैंने फर्स्ट ऑप्शन वन टू एंड थ्री आर ऑल करेक्ट, तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन ए जो है ट्रू हो जाएगा, इम्प्लाई ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स।
फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आपका एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, थर्ड स्टेटमेंट गिवन है एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज ए यूक्लिडियन डोमेन। मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। यदि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ओके, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको सर ने एक चीज़ बताया है कि फील्ड, अगर कोई रिंग फील्ड है तो क्या इंप्लाई करता है कि यूक्लिडियन डोमेन होगा, अगर कोई रिंग यूक्लिडियन डोमेन है तो क्या इंप्लाई करता है कि ये पी आई डी होगा, यदि कोई पी आई डी है तो क्या इंप्लाई करता है कि ये जो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, यदि कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो क्या इंप्लाई करता है कि ये जो है इंटीग्रल डोमेन होगा। तो फ्रेंड ये चीज आपको माइंड में रखना है, इस कंडीशन को माइंड में रखना है, देन आपका जो स्टेटमेंट गिवन है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आपका एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, हर यूक्लिडियन डोमेन जो होता है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, सही तो है क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन इंप्लाई करता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को। तो फिर यहाँ से हमारा स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यदि स्टेटमेंट टू की बात करूँ, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, सही है, एवरी पी आई डी जो होता है यू एफ डी को इम्प्लाई करता है। तो फ्रेंड यहाँ से हमारा स्टेटमेंट टू भी जो है करेक्ट हो गया। अब मैं यदि स्टेटमेंट थ्री की बात करूँ, तो स्टेटमेंट थ्री गिवन है एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज यूक्लिडियन डोमेन, कोई जरूरी नहीं है, एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो होता है वो आई डी को इंटीग्रल डोमेन को तो इम्प्लाई करता है, लेकिन एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन यूक्लिडियन डोमेन होगा कोई जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड हमारा यहाँ से स्टेटमेंट थ्री जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन गिवन है ए, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, तो फ्रेंड हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है फ्रेंड इम्प्लाई, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।